I'm gone, yeah. She gone, ay. I'm gone. तो मैं जीत तेवतिया और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दावन। जो ये गाड़ी देख रहे हैं और ऐसी आपने पहली बार ही देखी होगी जैसी ये गाड़ी है, भाई ने जैसी ये मॉडिफाई करा रखी है। आज तक मेरे हिसाब से किसी ने ये गाड़ी अभी तक मॉडिफाई कराई नहीं है जैसे भाई ने करा रखी है। अलॉय डलवा रखे हैं इसमें, ये देख लो आप इधर, ये देखो इसे सामने से दिखा देता हूँ, ये है इसका सामने से। भाई ने इसमें खूब बढ़िया पैसा खर्च कर रखा शौक के लिए। ये देखो ये गाड़ी है भैया, जो गाड़ी है भाई ने इसमें 14 इंच, इसमें 14 इंच का लोहे आते हैं और भाई ने इसमें 17 इंच का लोहे लगवा रखे हैं ये, और बिल्कुल लो प्रोफाइल टायर लगवा रखे हैं। वैसे तो पता आपको इसमें 1100 सीसी का इंजन आता है 1.2 लीटर का, और इसका में 68 BHP की पावर होती है इसमें, इसके इंजन में। वैसे तो ये गाड़ी छोटी है नॉर्मल लोगों के लिए, CNG फिटेड है इसमें। बाकी जो ये भाई ने करा रखी है वो कुछ अलग ही करा रखी है, इन टायर्स की वजह से एक अपने आपको एक यूनिक लुक देती है ये गाड़ी। और शायद ये गाड़ी किसी ने ऐसी टायर डलवाए होंगे इसमें जो भाई ने इसमें डलवा रखे हैं। इसकी अंदर की बात करें तो भाई ने ऐसा कुछ लगवा नहीं रखा, थोड़ा अंदर से दिखाई देता हूँ वैसे तो इसमें थोड़ा सा। और भाई ने तो हमें सायरन भी लगवा रखा हो, ये भाई ने शौक के लिए। बाकी ये वैसे इलीगल चीज़ें हैं, हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप डलवाएं। बाकी भाई ने इसमें लगवा रखे हैं अपने शौक के लिए। शौक के लिए हर कोई करवाता, हर कोई पैसा खर्च करता है। और इसमें अगर स्टीरियो की बात करें तो यहाँ पे छोटा सा ही आता है बस, इसमें वैसे तो कुछ नहीं आता। और इसका कुछ इस तरह का ये होता है मीटर, क्लस्टर मीटर इसमें। और आजकल इसमें ये इस टाइप के अच्छे बहुत ही शानदार लगते हैं, प्रीमियम लुक देते हैं। और डोर्स की बात करें तो भाई इसमें सारे कंट्रोल्स वगैरह आते हैं, और बाकी ये सारा हार्ड टॉप आता है, हार्ड प्लास्टिक है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी सॉफ्ट टॉप, सारा कुछ हार्ड टॉप है इसमें। यहाँ पे ये कुछ गोल्डन कलर का सा ये इसमें लुक देता जो इसकी अंदर से प्रीमियम बना देता है इसकी लुक को। भाई इसमें दो एयर बैग आते हैं, एक यहाँ पे आता है फ्रंट पे इधर साइड, और एक इधर साइड एयर बैग होता है। यहाँ पे इधर साइड में एक बोतल होल्डर इधर साइड में आता है, और एक इधर साइड में आता है बोतल होल्डर। पीछे से बात करें तो पीछे इसमें भाई काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें पीछे बैठने के लिए, और पीछे भी इसमें एक यहाँ बोतल होल्डर आता है इधर साइड में भी, और एक इधर साइड में बोतल होल्डर आता है, मतलब दोनों साइड में बोतल होल्डर आते हैं इसमें, काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा। और बताओ क्या मतलब इतनी छोटी गाड़ी में भी आजकल पीछे एसी वेंट देने लगे हैं। और यहाँ पे इसमें तो ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चार्जिंग पॉइंट है इसमें। बाकी काफ़ी अच्छी है मतलब गाड़ी जिस हिसाब से है। और चलो भाई से बात करते हैं, भाई इनके सस्पेंशन वगैरह पे क्या फर्क पड़ता है इनसे, अगर इतने बड़े लगवाते हैं कोई फर्क पड़ता है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि पड़ता तो है झेल लेंगे। हाँ फर्क तो पड़ता है, बाकी शौक के लिए तो कुछ भी हो, जो शौक है तो है। जब गाड़ी है शौक तो ये चीज देखनी है। तो भाई कितने के लगे ये? भाई ये टोटल है 40,000 के। अच्छा 40,000 के लगे हैं, और टायर देने के बाद 30,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा अच्छा, और भाई ये रैप भी करा रखी है सर आपने इस पे, ये क्या सोच के कराई है आपने? भाई बस अच्छी लगती है ये कार, इससे मतलब गाड़ी बढ़िया भाई। वैसे जो कुछ भी है लोग अच्छी आ रही है इससे, जो अच्छी आ रही है भाई शौक के लिए हर कोई करा रहा है भाई। वैसे जो इतने बड़े टायर है ना ये सस्पेंशन के तो कर देते होंगे ऐसी तैसी, अपनी देश देहाती भाषा में बोले तो, बाकी गाड़ी की तो ये ख़राब ही करते हैं वैसे तो। बाकी पर शौक के लिए सब हर कोई लगवाता है आजकल, बिना अलॉय के तो कोई गाड़ी रखता ही नहीं है भाई। हुंडई आजकल क्या क्या कर रही है पता नहीं, देखो बेस मॉडल में भी फॉग लैंप दे रही है इधर, इसमें ये DRL आते हैं, यहाँ पे DRL लाइट हैं जो दिख रही हैं आपको ये इधर दोनों साइड में जोड़ी।
Ay, I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I take it to the back of the room, now tell me. देखे भाई ने फुल टायर काट रखो और पूरो लगो पर उत लो प्रोफाइल है जाते इतनी लगी पड़ी है. अगर थोड़ा प्रोफाइल इनको थोड़ा अच्छा हो तो भाई ये चले ही ना 17 इंच के अलॉय हमें. तो भाई रिकमेंड तो ना करेंगे, बाकी शौक है भाई को. और बिल्कुल ही जो ये दिख रहा होगा आप, बिल्कुल एक उंगली भी नहीं जा रही है इसमें अंदर, इसके अंदर जो बिल्कुल ही टच हुई पड़ी है. और अगर यहाँ की स्पेस की बात करें तो मुश्किल से 150 स्पेस है, बाकी तो ख़त्म ही कर रखो भाई ने. पर शौक है भाई को जो भी है. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.